बहुत ज्यादा उछल रही है तो और हम आगे बैठ गए। आज एक वीआईपी ग्रुप आने वाला है सर, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग हटके हूँ। मिस्टर शेख, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यू आर वेलकम। ही इज एन एक्टर। हॉलीवुड मूवी आई हैव डन द ग्लोरिया। सर ऑटोग्राफ दीजिए, कोई कुछ कैरी कर रहा है। माउंटेन का पूरा एरिया इसको कहते हैं, बिन बादल बरसात। Good morning, Jai Shri Ram and Jai Hind, and welcome to episode 3. So guys, is beautiful view and beautiful subha ke saath episode 3 ki shuruaat karte hain. So welcome back to my vlog, welcome back to my channel Ghumakkar Soul. Hum log Udaipur mein hain aur aaj ki shuruaat hum episode 3 se karne wale hain. Aur ye jo view hai, ye mere kamre se view hai jahan pe main ruka hua hoon. Property ka naam hai Burj Baneria. एपिसोड 3 की शुरुआत आज हम करेंगे बोटिंग से। बोटिंग के बाद फिर एक दो जगहें हैं, वहां जाएंगे एंड इस तरह से दिन गुजारेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। बताना मॉर्निंग टाइम लैप्स आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इट वॉज ब्यूटिफुल। बादल बहुत अच्छे छाए हुए हैं आज, लेकिन एज यूजल बाहर ह्यूमिडिटी है, मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, सो इट्स फाइन। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोग एपिसोड 3 एंजॉय करो। Good morning and welcome back to Ghumakkar Soul. Do subscribe. So it's time to have some breakfast. I have some poha, fried egg, this is sunny side up, I have some paneer cutlet and these lovely aloo parathas and some fruits and of course with a cup of tea. So guys, let's have some breakfast. Jaldi jaldi khate hain, jaldi jaldi nikalte hain. फिर आज हम सबसे पहले जाके बोटिंग करेंगे। जनरली बोटिंग तब करते हैं जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है, तो शाम को जनरली सब बोटिंग यहाँ पे करते हैं, बट क्योंकि आज सुबह ही इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो सुबह ही कर ली जाए बोटिंग और फिर बाकी काम किए जाए। चलो फिर इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस, फाइनली निकल चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मौसम बहुत बेहतरीन हो रखा है। आज गर्मी नहीं है और आज मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है, हवा चल रही है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम लोग अब बोटिंग करेंगे। और ये हमारा होटल है, अच्छा होटल है ना। इट्स नॉट अ होटल एक्चुअली, इट्स अ होम स्टे, इट्स अ बुटीक होम स्टे। सो जिन लोगों को बुटीक होम स्टे का मतलब नहीं पता, प्लीज गूगल करें। हाँ, क्या हवा चल रही है यार, मजा आ गया। चलो गाइज, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय दिस एपिसोड 3। वेलकम टू माई व्लॉग, वेलकम टू माई चैनल घुमाकर सोल। दो रोक देख रोक दो, मोबाइल रह गया। क्या करोगी मोबाइल को छोड़। अच्छा आपके पास है ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। घंटी मार दे सर। हो गया, फिर ऊपर ही होगा, ले आओ जाके ना। कोई बात नहीं, ले आओ जाके। मैडम का मोबाइल रह गया एज यूजुअल। एज यूजुअल
बहुत ही अच्छी थी। हाँ जनरली 11 बजे के आसपास ना इतनी गर्मी होती है एंड आज इतना अच्छा वेदर था। बोटिंग वॉज ऑसम। यस वेरी मच। बस चलो हो गया मेरा काम आज। नहीं अभी हम स्टीमर पे भी जाएंगे। नहीं उसका अलग मजा है, वो तो करना ही करना है। दो दे दो भैया, पेमेंट हो गया। चेक कर लो, करण शर्मा के नाम से आया होगा। बहुत ज्यादा उछल रही है तो और हम आगे बैठ गए। क्या मजा आ रहा है अभी तेरे को पता चलेगा जब गिरेगी। क्यों गिरूंगी, लाइफ जैकेट पहनी है, गिरते गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा लेगा हीरो ना। बोटिंग कर ली हमने, दोनों टाइप की बोटिंग कर ली है। स्लो बोटिंग भी कर ली विच वॉज फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, जहाँ आपने अभी पीछे क्लिप्स देखे हैं। और अभी हमने स्पीड बोट भी करी है। स्पीड बोटिंग वॉज थोड़ी थ्रिलिंग थी बट थोड़ी स्कैरी थी, क्योंकि हम लोग आगे बैठे थे और आगे से ही बोट उछल रही थी एंड वी वर ऑल्सो जम्पिंग इन द बोट। वो तो अच्छा हुआ होल्डर्स हमने पकड़े हुए थे, अदरवाइज उछल के गिरते थे हम लोग। पेट में गुदगुदी भी हो रही थी साथ में है। But it was a good experience. Very good. 500 rupees for two people for speed boat and about 250 rupees per person for normal slow boat. So it was good. Good experience in both boating. बहुत अच्छा experience था, मजा आ गया। चलो अब देखते हैं और क्या करते हैं। कहाँ जाएंगे सगीर जी? सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी जाएंगे। सहेलियों की बाड़ी, उसकी हिस्ट्री आप लोग गूगल करो तब तक जब तक हम पहुंचते। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो दिस इज सहेलियों की बाड़ी। अपेरेंटली इसकी हिस्ट्री यह है कि यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी थी जिनको बारिश बहुत पसंद थी और उदयपुर में बारिश होती नहीं थी उन दिनों। सो उन्होंने यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स बनवाए थे जिसमें से जो पानी आता था वो एज अ रेन यूज़ किया जाता था एंड उनकी बेटी जो थी वो अपनी सहेलियों के साथ उसी फाउंटेन के आसपास बारिश जैसे फुवारों का मज़ा लेती थी। इसलिए नाम उदयपुर रखा है, जैसे जयपुर जय सिंह जी ने बसाया, जोधपुर जोत सिंह जी ने बसाया। कहने का मतलब राजाओं के नाम पे शहरों के नाम है। अभी हमारे राजा अरविंद सिंह जी हैं, सिटी पैलेस में रहते हैं। 78 ईयर उनकी एज है, 76th generation मेवाड़। तो इतने बड़े राजवंश में दो संग्राम सिंह नाम के राजा हुए थे। राजा की शादी होती थी तो दुल्हन के साथ 25-30-50 दासियाँ दहेज में दी जाती थी। तो इतनी सारी लेडीज थी पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए बनाया सहेलियों की बाड़ी, जहाँ पे रानी राजकुमारियाँ सहेलियों के साथ आकर अपना एंटरटेनमेंट कर सके। सो दिस वॉज स्ट्रिक्टली मेड ओनली फॉर लेडीज, नो मैंस वर अलाउड, ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। जैसे रानी राजकुमारी का जन्मदिन या त्यौहार होता है तो राजा को इन्वाइट करते थे तो ही राजा आते। अदरवाइज तो आज तो रानियों का स्पेशल डे, तो हम राजा आ गए। बिल्कुल सर, आपका हर डे स्पेशल रहे, मेरी तो यही दुआ है सर। मेरी भी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस। 39th थी एनिवर्सरी। वेरी नाइस। और आज एक VIP ग्रुप आने वाला है सर, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग हटके में हूँ। जैसा काम है उस हिसाब से रहना पड़ता है। हम भी आपकी तरह जींस टी शर्ट डाट के ही करते हैं रोज। चलो अच्छा। ये भी मैंने जेब में रखा हुआ है। मैंने कहा एक बोर्डनी कर जाते हैं, अच्छे लोगों से बोर्डनी हो जाएगी, दिन अच्छा रहेगा मेरे को। चलिए बढ़िया। तो ये गार्डन एक नॉर्मल बगीचा नहीं है, इसमें जो 5 फाउंटेन है, सबसे बड़ी बात 300 साल पहले जब ये गार्डन बना था, बिजली नहीं, मोटर नहीं, ये फाउंटेन चलते कैसे थे? तो फतेह सागर लेक इज बिहाइंड दिस गार्डन, 1.5-2 किलोमीटर दूर है बट 80 फीट हायर फ्रॉम हियर।
तो इतने साल 250 साल बिना बिजली मोटर ग्रेविटी फोर्स से फाउंटेन चले, नेचुरल प्रेशर से 40-50 साल पहले उस प्रेशर में कमी आने लगी, तालाब के पानी के साथ कचरा मिट्टी भी आता था, तो धीरे धीरे वो प्रेशर कम होता गया, तब से ये बिजली मोटर से चलने लग गया। आइए दिस पर्टिकुलर पॉन्ड, ये जो फाउंटेन का पूरा एरिया है इसको कहते हैं बिन बादल बरसात। ये मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फिजिकली आना पड़ेगा एंड 5 से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इस पानी की साउंड को आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सही में बारिश हो रही है, एंड दैट इज़ वाई इसको बिन बादल बरसात वाला एरिया बोलते हैं। नाइस। Sound is also there. So many sounds they have created here. It is very big art. Goal is here banaya because this was the dancing place. Here they used to do boomer kind of dances. ये गर्मियों के लिए था, इसलिए ऊंचे पेड़ हैं यहाँ भी ताकि मैक्सिमम छाया और ठंडक रहे। तो उधर और इधर के टेम्परेचर में फर्क है। कोई क्रेन्स नहीं थी, मशीनें नहीं थी, इतने बड़े बड़े ब्लॉक कैसे तो उठा के लाए होंगे। फिर हाथ से कार्विंग करके चारों हाथी सिंगल पीस में बनाए हैं, एक ही साइज एक ही ब्लॉक का, ऐसे में दो पीस बना के चिपका के हाथी बने। सबसे बड़ी बात, इन हाथी के पैरों से पानी एंटर होके गोल सूंड में से बाहर आ गया। अच्छा। क्या दिमाग होंगे, क्या उन लोगों के आर्किटेक्ट क्रिएटिविटी किया होगा, ऊपर वाला ही जानता है। 7.5 घंटा मैं क्या कह रहा हूँ, आज अपने पास मशीनें हैं, पैसा है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन आज भी ये चीज़ नहीं बना सकते। 7,500 नोजल इसमें टोटल यूज़ में आए, ये भी इंग्लैंड के हैं, कॉपर और ब्रास और कॉपर के भी। अब इसमें कोई कोई नोजल ख़राब होता है, उसे चेंज करें। यार मुझे नहीं पता कि बचपन में आप लोगों में से कितने लोगों ने ये काम किया, बट मैंने बहुत किया है। मैं ना बचपन में अपनी कॉपी किताबों के अंदर ना एक वो विद्या का पत्ते आते थे, स्टेम्स आती थी, मोर पत्तियाँ भी बोला जाता था उनको, वो हम रख दिया करते थे एंड हम बोलते थे विद्या के पेड़ है, विद्या के पेड़ से हमने पत्ती ली है, तो ये विद्या की पत्ती है, इसको हम किताबों में रखेंगे तो हमें विद्या मिलेगी। मैंने वो छोटे छोटे से पेड़ देखे थे वो, बट मैं यहाँ सहेलियों की बाड़ी में आया उदयपुर में और मेरे सामने जो पेड़ है ये कम से कम 20 फीट ऊंचा है। यार ये देखो, मतलब और एक नहीं, यहाँ पे ऐसे 10-12 पेड़ हैं, इंग्लिश में इनको साइप्रस बोलते हैं। मतलब बचपन याद आ गया पेड़ देखकर। मैंने तो बहुत किया कि आप लोगों ने अपनी किताबों में कॉपीज में इसके पत्ते रखे हैं, और अगर रखे हैं तो क्या आपको उससे विद्या मिली है, बताना कमेंट्स करके। बाय द वे हमें जो हमारे गाइड मिले हैं, ही इज बॉलीवुड एक्टर, कुछ सीरियल्स में काम किया है, कुछ मूवीज़ में काम किया है, कैरेक्टर रोल्स किए हैं, एक्स्ट्रा के रोल्स किए हैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। अभी आपने पीछे क्लिप्स में देखा ही है उनको, फुल एकदम सूट बूट में तन बन के, फुल हैट वैट पहन पहन के, भाई साहब फुल ऑन डैशिंग। इनको देख के जैकी श्रॉफ की याद आ गई, जग्गू दादा।
बैठोगे तो सुकून मिलेगा. ऐसी जगह आपका नाम याद नहीं. फारूक शेख. मिस्टर शेख थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. यू आर वेलकम. ही इज एन एक्टर. आप लोगों ने इनको काफी मूवीज में देखा होगा. मूवीज का नाम अगर आपको बताऊंगा तो आप वापस देखिएगा वो मूवीज. रिसेंटली बीइंग इरफान खान्स मूवी अंग्रेजी मीडियम. सावधान इंडिया. और अभी हॉलीवुड मूवी आई हैव डन द ग्लोरिया. ओह इज इट. एलिसिया विकांडर वाज द एक्ट्रेस इन दैट एंड आई गॉट द रोल ऑफ टी सेलर इन द ट्रेन. दे हैव टुक द ऑडिशन ऑफ 200 पीपल एंड आउट ऑफ देम दे सेलेक्ट मी फॉर दैट. But very I am nice. Feeling proud that I got the chance to work in Absolutely. Hollywood also. And we are proud to have you with us. Thank you so much. It's my pleasure and it is destiny. Actually, he arranged everything that you are going to meet me. Yes. Otherwise, there are so many people in the world. Sir, autograph DJ koi kuch carry kar raha hai. Let's have a photo with him. Okay, sir. ठीक है. तीन बिना मलाई के और एक मलाई के साथ. सो गाइज, सहेलियों की बाड़ी से होके अब हम आ चुके हैं. हमारी लेडीज फिर से शॉपिंग करने जा चुकी हैं. हम जा रहे हैं अब टूवर्ड्स रायता हिल्स. यहाँ पे उदयपुर के अपने दो हिल स्टेशन हैं, एक है रायता हिल और दूसरा है अलसीगढ़. तो अभी फिलहाल के लिए मैं और राहुल जा रहे हैं रायता हिल्स. थोड़ी देर वहाँ बैठ के थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेकर माहौल बना के फिर हम वापस नीचे आ जाएंगे अपनी अपनी लेडीज को पिक करने. एंड देन उसके बाद वी विल पुश ऑफ टू द होटल. आई होप आपको एपिसोड 3 अच्छा लग रहा होगा. लेकिन बने रहना क्योंकि एपिसोड 4 भी आने वाला है. एंड एपिसोड 4 में मैं आपको लेके जाऊंगा अलसीगढ़, विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द ब्यूटिफुल हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, विच इज एट द हाइट ऑफ अबाउट 2000 feet. एक्चुअली हिल स्टेशन ऑफ उदयपुर जो कि इस टाइम पे बहुत खूबसूरत हो जाता है. मॉनसून हैं, अरावली रेंजेस बहुत अच्छी लगती हैं, ऑल ओवर ग्रीनरी होती है. तो चलते हैं, पहले रायता हिल चलते हैं. अभी अलसीगढ़ एपिसोड 4 में आपको दिखाऊंगा. बने रहना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल. अपडेट ये है कि अभी फिलहाल हम रायता हिल्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि जस्ट चेक्ड, थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा दिखा रहा है. जो रास्ता 45 मिनट का है वो रास्ता कुछ 1 घंटा 15 मिनट का दिखा रहा है. सो जाना आना और वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना, कुछ 3 घंटे लग जाएंगे हम लोगों को 4 घंटे के आसपास. बट तब तक जो है हमारी लेडीज शॉपिंग करके फ्री हो जाएंगी. सो नॉट अ गुड आइडिया टू गो टू रायता हिल्स राइट नाउ. वी विल कवर अलसीगढ़ इन एपिसोड 4. उसके लिए बने रहना. फिलहाल एपिसोड 3 का बताओ कैसा लग रहा है आपको, सहेलियों की बाड़ी कैसा लगा एंड फारूक शेख साहब कैसे लगे जो हमारे एक्टर थे एंड जो हमारे बहुत अच्छे गाइड भी थे. जैसा मैंने आपको बताया था कि हम रायता हिल्स नहीं गए हैं. सो अभी हमने क्या किया, हम वापस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम वापस अपने होटल आ गए हैं क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी एक्सप्लोर करने के लिए. और थोड़ी सी धूप भी बढ़ गई है, हालांकि पीछे बादल बहुत अच्छे हैं बट धूप बढ़ गई है. हवा चल रही है थैंकफुली, तो ह्यूमिडिटी कम है बट पसीने फिर भी आ रहे हैं. सो हमने क्या किया, हमारी वाइव्स, उनको थोड़ी सी और शॉपिंग करनी थी एज यूजुअल. सो उनको हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे छोड़ दिया है. उदयपुर में एक बहुत अच्छा मार्केट है हाथी पोल बाज़ार, कभी अगर आएँ आप तो ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा. तो वो लोग वहाँ पे अभी शॉपिंग कर रहे हैं, उनको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा. हमने सोचा हम होटल आते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ी सी चीयर्स करते हैं बियर्स के साथ एंड इन्जॉय करते हैं, माहौल बनाते हैं. ड्रोन शॉट्स वैसे इस होटल के आपने एपिसोड 2 में देखे थे बट मैं सोच रहा हूँ थोड़े ड्रोन शॉट्स और ले लूँ, लेकिन हवा कुछ ज़्यादा तेज चल रही है तो देखते हैं, लेट्स सी. कुछ रहा अगर एपिसोड 3 में दिखाने लायक तो आपको आगे मिल जाएगा. बट ट्रिप की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं जो मैं हर वीडियो के साथ एंड में डालता हूँ, तो अगर आप लोग वीडियो मेरा देखते हैं तो एंड में ज़रूर जाइएगा एंड वो फोटोग्राफ्स ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी हैं. जगहें जो हैं उन फोटोग्राफ्स में वो बहुत अच्छी हैं, व्यू जो हैं उन फोटोग्राफ्स में बहुत अच्छे हैं. सो गाइस बने रहो, सब्सक्राइब करो टू गुमाकर सोल.
आई होप आप लोगों को वो ड्रोन शॉट अच्छा लगा हो एंड वी एंजॉयड दैट शॉट. एक बड़ी अच्छी तमन्ना थी कि भाई ड्रोन शॉट लेते हुए चीयर्स करेंगे दोस्त के साथ, सो वो कर लिया हमने. अब ये एपिसोड 3 मैं यहाँ पे एंड करता हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन एपिसोड 4. वी आर गोइंग टू अलसीगढ़. जल्दी वो वीडियो आने वाला है, तब तक आप गूगल करो अलसीगढ़ के बारे में कि अलसीगढ़ कैसा है. इट इज ALSIGARH. ओके, अलसीगढ़ गूगल करो और देखो कि वहाँ पे क्या क्या है. हालांकि वहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है. इट इज जस्ट वेरी क्लोज टू नेचर. नेक्स्ट एपिसोड में वहां चलेंगे, वहां का पूरा एरिया दिखाएंगे अच्छे से. टेक केयर, सी यू इन एपिसोड 4.